बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फरीसा वकार है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू रेलवे हॉस्पिटल में रिफा यूनिवर्सिटी। मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि हमल के दौरान जो पानी इस बच्चे का ज्यादा हो जाता है वो क्यों होता है और उसकी वजह क्या होती है और उसका इलाज क्या है। उसमें ये कि जो हम इस कंडीशन को पॉली हाइड्रामनियोस, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा और हाइड्रामनियोस का मतलब है बच्चे का पानी, तो पॉली हाइड्रामनियोस कहते हैं। पॉली हाइड्रामनियोस की जो वजूहत है उसमें 50% इडियोपैथिक है, यानी कोई खास वजह नहीं होती। 40% में शुगर होती है, चाहे पहले से पता हो या ना पता हो। ना पता हो तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर हमें ओपीडी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड पे पानी ज्यादा आ रहा है तो उस मरीज को हम फिर दाखिल करके उसकी 6 शुगर लेवल्स करते हैं, 6 शुगर लेवल्स करते हैं, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले, बाद रात के खाने से पहले, बाद, ये लेवल्स करके हम ये देख लेते हैं कि मरीज को शुगर तो नहीं है जिसकी वजह से पानी ज्यादा है। अक्सर ऐसा निकल भी आता है, मैंने बताया 40% मरीज ऐसे होते हैं जिनका पानी इस वजह से ज्यादा होता है, हमला औरत को शुगर होती है, तो उसका फिर शुगर का अगर इलाज करें तो वो पानी बेहतर हो जाता है। फिर और पानी क्यों ज्यादा होता है, सिर्फ 10% ऐसा होता है कि बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स होता है, जैसे खाने की नाली बंद होना या पेट की नाली बंद होना या सांस की नाली बंद होना, दिमाग का ना होना, इनकी वजह से भी पॉलीहाइड्रामनियोस होता है। इसका जो इलाज है पॉलीहाइड्रामनियोस का वो कोई खास नहीं है सिवाय इसके कि डिलीवरी के टाइम पे हमें खून ज़्यादा रेंज करना पड़ता है, इसलिए कि जब वो बच्चा पैदा हो जाता है और वो पानी निकल जाता है तो खून छूटने का डर होता है। इसके साथ नुकसानात क्या है इस पानी के, एक तो मरीज़ खुद बहुत ज़्यादा उसका सांस फूल रहा होता है, दूसरा जो है पानी ज़्यादा होने की वजह से कुछ और मसाइल होते हैं, जैसे टाइम से पहले पानी की थैली फट जाती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, नाड़ गिर जाती है, ठीक है, बच्चे की पोजीशन जो अगर पानी ज़्यादा हो तो वो आड़ी तिरछी कुछ भी हो सकती है, उल्टी, ज़्यादा पानी की वजह से बच्चे के पास फिक्स होने के लिए जगह नहीं होती, और फिर जब अचानक पानी की थैली फटती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको हम अब्रप्शन कहते हैं, चूँकि आंवल जो है वो फट जाती है, और डिलीवरी के बाद ट्रस जो होता है, रहम जो होती है वो टाइट नहीं होती और ब्लीडिंग फिर होती रहती है और उसको रोकना पड़ता है हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इसलिए ऐसे मरीजों में खून का अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, जब हमें पता हो कि इसको पॉलीहाइड्रामनियोस है तो ब्लड अरेंजमेंट होनी चाहिए कम से कम 4 बोतलों की। थैंक यू।